हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेस में क्रॉस टैब क्वेरी ऑप्शन के बारे में। ठीक, क्रॉस टैब क्वेरी ऑप्शन होता क्या है, इसका उपयोग किस लिए करते हैं, किस कंडीशन में किया जाता है, इसके लिए कैसा डाटाबेस होना चाहिए, वो हम लोग आज के क्लासेस में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। डाटाबेस क्रिएट करने वाले हैं, उस ऑप्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो देखिए, क्रॉस टैब क्वेरी के लिए मैं एक डाटाबेस बना रहा हूँ, तब उसके लिए मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि क्यों इसका प्रयोग कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। तो आप लोग भी कुछ ऐसा ही डाटाबेस आज बनाइएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, राइट क्लिक किया, डिजाइन व्यू में आएंगे और मैंने ओके किया। यहाँ पे पूछा जाता आईडी, तो सपोज मान लीजिए हमारे यहाँ बहुत सारे सेल्समैन काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेल्समैन काम कर रहे हैं। तो मैंने लिखा सेल मैन आईडी, आईडी में क्या रहेगा? नंबर। क्लियर है? आईडी लिखने के बाद से मतलब किस आईडी के थ्रू उसका क्या नाम है, हमने लिखा सेल्स मैन। ठीक है, उसके बाद से शॉर्ट टेक्स्ट रहेगा। अब यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्ट नेम, शॉर्ट टेक्स्ट रहेगा। उसके बाद से यहाँ पे हमको लेना है मंथ। और टैब बटन दबाएंगे और वहां पे हमने लिखा अमाउंट। क्या लिखा? अमाउंट। तो आप लोग भी ऐसा हेडर बनाना है। ठीक है, नोट कर लें ऐसा हेडर। और यह हेडर बनाने के बाद हमें इसको सेव करना है, राइट क्लिक करके डाटा सीट व्यू में आना है। और सेल्समैन आईडी, तो आईडी में लिखा सेल्समैन का नाम लिखा रोहन। ठीक है, उसका प्रोडक्ट, कौन सेल्समैन किस प्रोडक्ट को बेचा है, समाया क्यों लिखा हुआ यहाँ पे, मतलब यह जो सेल्समैन है रोहन किस प्रोडक्ट को बेचे हैं उन्हें रखा है, उनके नाम से मेंशन होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया। क्या सपोज इन्होंने कीबोर्ड बेचा है, क्या बेचा है? कीबोर्ड। मंथ तो जनवरी में। ठीक है, उसके बाद कितने रुपए का बेचा है, तो इन्होंने 5,000 रुपये का बेचा। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो क्या कर रहा है, फिर से 102 आते हैं और इनका नाम है रुपेश और इन्होंने बेचा डेल, और ये भी बेचे किसमें, जनवरी में, कितने रुपए का, 1,000 रुपए का। ये चला जाते हैं 103 और यह है चंदन। कौन है? चंदन। इन्होंने बेचा कीबोर्ड, इन्होंने भी क्या बेचा? कीबोर्ड। इन्होंने बेचा फरवरी में, कितने रुपए का? 200 का। फिर से 10, कोई बात नहीं, 200 बोला हूं मैं। ठीक है, उसके बाद से चलो यहाँ पे आ जाते हैं और रखना है मोहन। ठीक है, उसके बाद से हमने यहाँ पे टाइप किया डेल कीबोर्ड, उसके बाद से हमने रखा मार्च और इन्होंने बेचा 4,000, फिर से 105 और इनका नाम है रोहन भी हो सकता है, आईडी अलग अलग है। और सपोज इन्होंने बेचा माउस और इनका भी है डाटा जनवरी में, कितने रुपए का? 400 का। उसके बाद से 106 और इनका नाम है अजय और इन्होंने बेचा है मॉनिटर और इन्होंने बेचा है फरवरी में, कितने रुपए का? 2,000 रुपए। देखना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा।
अब सपोज मान लीजिए हमने बोला कि जितने सेल्स मैन हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, मैं जितना जितना वो प्रोडक्ट बेचेंगे, जितने रुपए का बेचेंगे, हम सबका मंथवाइज रिकॉर्ड रखेंगे कि किस मंथ में कौन सेल्स मैन ने किस प्रोडक्ट को कितने रुपए का बेचा है, और उसी के हिसाब से जिसका रेशियो अच्छा रहेगा उसी के हिसाब से उसको कमीशन देना है, या देखना है किसका परफॉर्मेंस अच्छा है। मैं यह चेक करना चाहता हूँ। जैसे मान लो सपोज हमारे यहाँ इंक्वायरी 3 लोग ले रहे हैं, प्रदीप सर, सोनू सर, पुष्कर सर, सबका डाटा हमने बना लिया, किस मंथ में कौन कौन कितना लोग इंक्वायरी लिए हैं और किनका इंक्वायरी का कितना एडमिशन हो चुका है और कितना पेंडिंग में, और ये चेक करना चाहते हैं तो वह रिकॉर्ड निकाला जा सकता है। उसके बाद ये चेक किया जा सकता है किनका परफॉर्मेंस अच्छा है, जिसका नंबर ही ज्यादा होगा एडमिशन का उन्हीं का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। इंक्वायरी तो 3 लोग लिए थे, मान लो 50-50 3 लोग लिए थे, लेकिन किसी का 30 एडमिशन हुआ था, किसी का 10 हुआ था, किसी का 20 हुआ था, तो जिसका मैक्सिमम होगा उसी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वैसे क्या हो रहा है, मैंने भी क्या किया है यहाँ पे रिकॉर्ड रखा है कि कौन सेल्समैन किस मंथ में किस प्रोडक्ट को कितने रुपए का सेल किया है। अब कंडीशन अलग हो सकता है, हम यह भी चेक कर सकते हैं कि टोटल जनवरी मंथ में हमने कितने रुपए का सेल किया, टोटल फरवरी मंथ में टोटल कितने रुपए का सेल किया है, टोटल मार्च मंथ में टोटल कितने रुपए का सेल किया। ठीक है, तो उसके लिए आप बताइए, डाटा तो हमारा बहुत है ना, जनवरी का भी बनाया, फरवरी का बनाया, मार्च का बनाया, तो एक तो तरीका है, एक्सेल लोग क्या करते थे याद है, समिंग फॉर्मूले का इस्तेमाल करते थे और बार बार बहुत सारा फॉर्मूला लगाते थे, वो भी डाटा नहीं निकल पाता था, केवल वैल्यू निकल के आता था। लेकिन इसमें फायदा क्या होगा, क्रॉस टैब क्यूरी कहता है कि उस डाटा में कहीं पे भी उससे संबंधित तो मंथ से रिलेटेड डाटा होगा, मैं क्रॉस करके वहां वहां पकड़ लूंगा जहां जहां पे जनवरी का वैल्यू होगा, और एक बार में मैं दिखा दूंगा कि जनवरी का टोटल अमाउंट कितना और किस किस मंथ में ये बताएगा और किस किस प्रोडक्ट को बेचा गया है और कौन सेल्समैन ने बेचा है, वो एक बार में रिकॉर्ड निकल के चला है, उसे बोलते हैं क्रॉस टैब क्यूरी। मतलब आप बताइए, देखो जनवरी का वहां भी डाटा है, नीचे भी है, बीच में भी है, तो क्रॉस टैब क्यूरी कहता है कि मैं मुझको बता दो किसके हिसाब से, किस स्टेटस के हिसाब से डाटा का वैल्यू निकालना, तो अगर मंथ के हिसाब से है तो मैं मंथ को क्रॉस करूं और उस टेबल में पूरा खोजूंगा कि कहाँ 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 मंथ जनवरी वाला है, तो जनवरी वाला एक बार टोटल बता देगा, टोटल जनवरी का सेल इतना रुपया है और इस प्रोडक्ट को बेचा है और इसने इसने बेचा है, सुनाया। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं किसका, क्रॉस टैब इंक्वायरी, मतलब क्रॉस करके वैल्यू को चेक किया जाता है। ठीक है, तो रिपोर्ट हमको चेक करना है क्योंकि हमें पता नहीं चला, जोड़ते रह जाएंगे, घटाते रह जाएंगे, जनवरी का कितना, फरवरी का कितना, मार्च का कितना, मंथ वाइज रिपोर्ट निकल के आ जाता बहुत अच्छा रहता। तो इसके लिए मैंने एक्सेल भी पढ़ाया है, उसके अलावा और भी पढ़ाया, क्या सब टोटल, ठीक है, उससे निकालते थे, एक और पढ़ाया है पाइवोट टेबल, लेकिन दिक्कत क्या होती थी, उसमें डाटा को उनको सॉर्ट करना पड़ता था, सॉर्ट करके तब फार्मूला लगाना पड़ता था, तब वो काम करता था, नहीं तो काम नहीं करता था। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डाटा कहीं पे भी हो, सॉर्ट करने से मतलब नहीं, अपने आप क्रॉस करके बता देगा, कैसे कटाएगा, चलिए मैं दिखाऊंगा तो आपको और बेटर तरीके से समझ आएगा। इसके लिए जाएंगे क्या, इस डाटा को हमने सेव कर दो, क्लोज कर दो, और आ जाएंगे कहाँ पे, क्रिएट पे, और आ जाएंगे क्वेरी विजार्ड, इस बार विजार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग ना, डिजाइन खत्म हो गया, क्वेरी विजार्ड पे आ जाते हैं। तो कल मैंने क्या पढ़ाया था, सिंपल तो पहले दिन पढ़ाया था, और कल फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड पढ़ाया था, और आज पढ़ना है क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड। क्या पढ़ना है जी, क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड, क्लिक करेंगे और कर देंगे ओके। अब ओके करते ही यहाँ पे टेबल हमारा पूछा जा रहा है, ठीक है, अब जिसमें क्वेरी हमको लगाना है, जिसमें कंटेंट हमने बनाया है, ठीक है, तो उस टेबल को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और बहुत ज्यादा टेबल आते तो उस टेबल को सेलेक्ट करते जिस टेबल पे हमको ये क्रॉस क्वेरी क्वेरी विजार्ड लगाना है, इसका इस्तेमाल करना, टेबल एक ही है, एक ही टेबल शो हो रहा है, क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, समझे। और इतना करने के बाद से सेल्समैन आईडी का कोई मतलब नहीं है हमको इस समय, ठीक है, सेल्समैन, ठीक है, हमको इस समय बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, हमको तो निकालना क्या है,
हमको मंथ के हिसाब से निकालना है। मंथ डाटा किसके हिसाब से निकालना है? मंथ के हिसाब से। मेन हेडर क्या है? मंथ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करेंगे और ले लेंगे नेक्स्ट मंथ, ठीक है। और करने बाद क्या करना हमको? नेक्स्ट करना, ठीक है। अब नेक्स्ट करने के बाद से इसमें ध्यान दीजिएगा, अब इसमें भी ऑप्शन दिया है, क्या चेक करना है, सेल्समैन या प्रोडक्ट? तो प्रोडक्ट चेक करके दिखा दो, किस मंथ में क्या क्या प्रोडक्ट, क्या किया हमने? प्रोडक्ट पे क्लिक किया, कर दिया हमने नेक्स्ट, ठीक है। अब क्या चेक करना है? तो हमको अमाउंट चेक करना है। क्या चेक करना है बाबू? अमाउंट को चेक करना है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे? अमाउंट क्या लिया? अमाउंट। अमाउंट में क्या? सम, मतलब टोटल प्रोडक्ट का क्या बता दीजिए, जो जो जहां जहां पे जिस मंथ का सेल किया वो एक ही बार सम करके दिखा दीजिए। तो बस हमने कर दिया क्या यहाँ पे? अमाउंट। और अमाउंट करने बाद से कर दिया सम, और सम करने बाद से कर दिया नेक्स्ट। और यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, व्यू द क्वेरी या मॉडिफाई द डिजाइन। तो दिखाइए, हमको कुछ चेंजिंग नहीं करना, जितना करना था कर लीजिए। अब कर दें यहाँ से फिनिश। अच्छा अब देखिए, समझिए, फरवरी में टोटल कितने का सेल? 2200। अब कहा 2200 कौन कौन सा? तो कीबोर्ड का कितना? 2000। मॉनिटर का कितना? नहीं, कीबोर्ड का कितना? 200। और मॉनिटर का कितना? 2000। टोटल कितना? 2200। क्लियर है? फिर से जनवरी में टोटल कितना? 6400 रुपये। अब कहा कौन कौन सा, किस किस प्रोडक्ट का? तो ने बोला डेल का कितना? 1000। कीबोर्ड का कितना? 5000। माउस का कितना? 400। टोटल कितना? 6400। मार्च में कितना? 4000। कहाँ का? डेल का कीबोर्ड। समझे? टेबल तुमने बनाया है, अब बहुत बड़ा बना है, और ऐसे मंथ वाइज रिकॉर्ड बना है, लेकिन एक बार में अगर वैल्यू को जोड़ना है और किस किस का वैल्यू है, और ये चेक करना है किस किस प्रोडक्ट का है, तो हम आसानी तरीके से चेक नहीं कर पाएंगे बिना क्रॉस टैब क्वेरी का इस्तेमाल किए। लेकिन अब इस बार हम चाहते हैं कि डेल कीबोर्ड वोर्ड जो दिख रहा है ना, इसको हमको नहीं देखना, किस सेल्समैन ने बेचा है यह चेक करना है, कितने कितने रुपए का बेचा है, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? चलिए हम आते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं, सेव नहीं करना, नो कर देते, और राइट क्लिक करके डिलीट कर देते हैं। हम समझाने के लिए फिर से बता रहे एक बार और, कहाँ आएंगे? क्वेरी विजार्ड के बाद क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड, उसके बाद ओके, उसके बाद टेबल नेक्स्ट करेंगे। तो रिपोर्ट किसके हिसाब से, मेन हेडर क्या है, किसके हिसाब से देखना है? नहीं, मंथ के हिसाब से देखना है, लेकिन किस मंथ में, मतलब जो टोटल अमाउंट आएगा, कौन कौन सेल्समैन ने बेचा है वो देखना है रिपोर्ट, जनवरी में कौन कौन, ठीक है। तो हमें को हेडर बनाना है मंथ ही, मंथ ले लेंगे, क्योंकि सेल्समैन सब एक ही के आ जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं रिपोर्ट निकालने का। मंथ लिया, नेक्स्ट करेंगे। अब इसमें हेडर किसको दिखाना है? सेल्स मैन के हिसाब से। अरे यार गड़बड़ कर, अभी पहले नेक्स्ट करना। हाँ चलिए पहले क्या लेंगे? मंथ, नेक्स्ट, उसका क्या करना है? नेक्स्ट करना, उसके हिसाब से इसमें किसका मेन हेडिंग, किसके हिसाब से दीदार रिपोर्ट दिखाना हमको? सेल्स में। फिर से करेंगे नेक्स्ट, थोड़ा सा मिस्टेक कर देंगे तो नहीं आएगा। क्या चेक करना है? टोटल अमाउंट। अरे अमाउंट ही तो चेक करने के लिए आ रहे हैं, अब इसमें क्या चेक करना है? एवरेज, काउंट, फर्स्ट, लास्ट, मैक्स, मीन, हमको करना है सम। क्या करना है? सम। क्लिक नेक्स्ट, फिनिश। फरवरी में टोटल कितने रुपए का? 2200 का, उतना ही तो आएगा, लेकिन कौन कौन? ताजे 2000, चंदन 200। जनवरी में टोटल कितने का? 6400, उतना ही रिपोर्ट तो आएगा, लेकिन कौन कौन? रोहन 5400 रुपए का, रुपेश 1000। मतलब रोहन का परफॉर्मेंस अच्छा है, मतलब सेल ज्यादा किया है, ज्यादा अमाउंट का। मार्च में 4000 का, बस कौन?
समा रहा है। अच्छा तो ऐसे कंडीशन हम लोग ठीक है एमएस एक्सेस में क्रॉस टैब क्वेरी का उपयोग करके और आसानी तरीके से डाटा को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक सेल की रिपोर्ट के हिसाब से बताया और कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, क्या इसका स्टेप है, वो मैंने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताया और समझाया और बताया। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं।